सब्जेक्ट गो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पांच ऐसे टूल्स के बारे में जानेंगे जिनके मदद से आप अपने YouTube चैनल को और भी तेजी से ग्रो कर सकते हैं, जो आपको आपके चैनल में और भी ज्यादा यूज होगा। टैग उनके बारे में बताएगा और कैसे वीडियो आपके चल रहे हैं और कितना रैंक पे चल रहा है और किस तरह से आपका चैनल ग्रो हो रहा है, ये सारी जानकारी आप जो है इन टूल्स के मदद से जो है जान सकते हैं और इसके मदद से अपने चैनल को ग्रो भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप जो है इनका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको पांच टूल्स के बारे में बता देता हूँ, फिर मैं आप बताऊंगा डिटेल में कि कैसे यूज करना है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो टूल्स आता है उसका नाम है vidIQ। vidIQ क्या करता है, इसको अगर आप अपने चैनल में सेट कर लेंगे, इसका जो है क्रोम एक्सटेंशन भी आता है। आप जो भी ब्राउजर यूज करते हैं, मोजिला या गूगल क्रोम, तो उसके लिए जो है क्रोम एक्सटेंशन आता है, तो उसको आप जो है यूज कर सकते हैं। जैसे मोजिला एक्सटेंशन के लिए मोजिला है और क्रोम में यूज करने के लिए क्रोम है। जब एक्सटेंशन आप इसका यूज कर लेंगे vidIQ का, हालांकि ये जो है प्रीमियम है, लेकिन फ्री में भी जो है इससे बहुत सारे हेल्प आप ले सकते हैं। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे की वीडियो की टैग जो है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, टैग जो है कॉपी कर सकते हैं और अपने वीडियो में यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं कि अगर आप किसी फिक्स टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो बना रहे हैं और उसी टॉपिक से रिलेटेड कोई और भी चैनल है जो वीडियो चला रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा उसका वीडियो चलता है, तो उसके वीडियो में कौन कौन से टैग यूज हुए हैं, उन टैग को आप जो है पता कर सकते हैं vidIQ की मदद से और यूज करके अपने वीडियो में जो है उसे लगा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे आता है कि vidIQ जो है आपको साथ में ये भी बताता है, अपने चैनल पे जब आप कोई वीडियो अपलोड करते हैं, इस वीडियो में कौन कौन से टैग आपने यूज करे हैं और उस वीडियो से रिलेटेड टैग जो है आप रियल टाइम में वहाँ पे फाइंड भी कर सकते हैं और साथ में वहाँ पे टैग के अंदर जो है डाल भी सकते हैं, और कितने टैग डालने हैं, कितने उसमें डिस्क्रिप्शन लिखने का जो है वो कितना लिमिट है और कितना बड़ा जो है आपको हेडिंग लिखना है, ये सारी जानकारी जो आपको vidIQ में देता है। बहुत सारे फंक्शन जो है vidIQ के साथ आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है सोशल ब्लेड। ये आपके काम आता है जब आप चैनल चला लेते हैं 6 महीने 5 महीने, तो आप जो है सोशल ब्लेड में अपने चैनल का लिंक पेस्ट करके पता कर सकते हैं कि आपका चैनल जो है किस तरह से ग्रो कर रहा है, किस स्पीड पे है, किस रैंक पे है। उसके बाद यहाँ पे आता है नंबर 3 पे रैपिड टैग्स। इसके अंदर आप जो है टैग फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी एक टॉपिक लेंगे जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाना चाह रहे हैं और उस टॉपिक को इसमें पेस्ट करेंगे और उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड और टैग जो है सर्च हो रहे हैं, जिसका रैंक अच्छा हो रहा है, वो सारी जानकारी आप इसमें जो है निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ नंबर 4 पे आता है ट्यूब बड्डी। ये भी जो है बिल्कुल उसी की तरह है, फर्स्ट वाले की तरह, vidIQ की तरह, ये भी जो है बहुत ही पॉपुलर है ट्यूब बड्डी, तो इसका भी यूज़ आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है नंबर 5 पे सोशल मेंशन। तो देखिए, सोशल मेंशन का काम क्या होता है, इसमें जो है आपको कुछ टैग ही फाइंड करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे टैग जो है थोड़ा अलग कैटेगरी से मिलता है। जैसे YouTube के लिए अलग है और Google के लिए अलग है, यानी कि ब्लॉग पोस्ट के लिए अलग है, तो कुछ अलग तरीके से यहाँ पे टैग फाइंड कर सकते हैं। और साथ में यहाँ पे कुछ ऐसे आपको कीवर्ड और यहाँ पे टैग दिखाए जाएंगे जो ज़्यादा जो है सर्च हो रहे हैं या जिनका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए अभी फ़िलहाल 2 या 3 घंटे पहले ट्विटर पर कोई ऐसा ट्वीट हुआ जो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो उसके बारे में भी आपको जो है सोशल मेंशन जानकारी दे देगा। तो ये है 5 बेस्ट टूल जिनका यूज़ करके आप अपने YouTube चैनल को और भी अच्छे तरीके से आगे ग्रो कर सकते हैं। और चलिए, इस वीडियो में लास्ट में मैं आपको एक टिप्स भी दूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि vidIQ कैसा है और सोशल ब्लेड और रैपिड टैग्स और उसके बाद ट्यूब बड्डी और सोशल मेंशन, ये 5ों के बारे में मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैं डालता हूँ vidIQ। तो देखिए, जैसे ही आप डालेंगे vidIQ, ये सॉफ्टवेयर भी है और इसका जो है एक्सटेंशन भी आता है। तो देखिए, यहाँ पे आ गया vidIQ वर्जन ऑफ यूट्यूब क्रोम वेब स्टोर। तो इसको जो है क्रोम में इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे यूज़ कर रखा है। अब चलिए मैं आपको यूट्यूब चैनल में चल के दिखाता हूँ कि जब यूट्यूब चैनल में आप जाएंगे तो किस तरह का ये दिखेगा। तो चलिए, यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ यूट्यूब चैनल, और जैसे ही कोई वीडियो YouTube पे प्ले करते हैं आप, तो वहाँ पे भी आपको जो है ये जानकारी देगा। तो चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं अपने चैनल के अंदर क्रिएटर स्टूडियो, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ अगर डैशबोर्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे जानकारी यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे देखिए, ये जो है कंपटीटर्स और यहाँ पे ट्रेंड है और मोस्ट व्यूड है। ये ऑप्शन जो है ये ट्यूब बडी के, यानी कि यहाँ पे vidIQ में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह ट्यूब बडी भी आपको जो है जानकारी शो करता है। तो
विड आईक्यू भी आप यूज कर सकते हैं और ट्यूबबडी, दोनों ही बेस्ट टूल है, लेकिन दोनों थोड़ा बहुत अलग है। आगे आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। वैसे अगर आपको विड आईक्यू अच्छा लगे तो इसे यूज कीजिए, या ट्यूबबडी कोई भी यूज कर सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे देखिए नंबर सेकंड पे आता है सोशल ब्लेड, तो चलिए सोशल ब्लेड यहाँ पे लिखते हैं। सोशल ब्लेड में जाएंगे तो देखिए ये आ गया सोशल ब्लेड, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो सोशल ब्लेड आपको बताएगा जो भी यहाँ पे जानकारी आप यूट्यूब चैनल के बारे में देखना चाहते हैं उसे यहाँ चैनल को पेस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं अभी जो है सब्जेक्ट गो का चैनल जो है उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे डालते हैं youtube.com/subjectgo। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से आ गया। आप देखिए पहला जो चैनल है ये है सब्जेक्ट गो, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं इस चैनल पे और उसके बाद इसके बारे में जानकारी दिखाएगा। तो देखिए इस तरह से है और चैनल का जो ग्रेड है वो बी है, देखिए यहाँ पे बी है। और भी बहुत सारी जानकारी देखिए यहाँ पे सब्सक्राइबर बता रहा है, व्यूज रैंक है, ठीक है, सोशल ब्लेड रैंक भी यहाँ पे दिखा रहा है। और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ वीडियो के बारे में भी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए यहाँ डेट के हिसाब से सब्सक्राइबर और वीडियो पे कितने व्यूज आए हैं ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाएगा। तो हालांकि ये बिल्कुल फिक्स तो नहीं बताता है डिटेल, लेकिन हाँ एक एस्टिमेट डिटेल जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को सोशल ब्लेड पे। उसके बाद नंबर तीन पे चलते हैं रैपिड टैग। तो देखिए रैपिड टैग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आप इसको, और यहाँ पे आपको ये बता रहा है क्विकली ग्रो यूट्यूब चैनल, यानी कि यूट्यूब चैनल को क्विकली ग्रो करना है तो यहाँ पे रैपिड टैग जो है उसको यूज कर सकते हैं। और एक यहाँ पे रैपिड टैग जो है ये प्लस भी है जो कि यहाँ पे प्रीमियम में है, लेकिन हम यहाँ पे फ्री वाला यूज करेंगे। तो फ्री वाला यूज करने के लिए यहाँ पे यूज रैपिड टैग फ्री इस पर क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे खुल जाएगा, तो देखिए यहाँ पे आ गया एंटर योर नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो टाइटल टू जनरेट टैग, ठीक है। अब जो भी आप वीडियो बनाने वाले हैं अपने चैनल पे अपलोड करने के लिए उसका एक हेडिंग यानी कि जो भी टाइटल आपने सोचा है वो टाइटल यहाँ पे डालिए। तो टाइटल डालने के बाद आपको जो उससे रिलेटेड कीवर्ड दिखाएगा, तो देखिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, ये मैंने डाला और यहाँ पे मैंने सर्च किया। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो है इतने सारे मेरे पास जो है टैग लाके दे दिया, ठीक है। अब इनको जो है आप यूज कर सकते हैं अपने वीडियो में, इस तरह से ये काम आता है रैपिड टैग्स। चलिए आप देखते हैं ट्यूब बडी, तो देखिए ट्यूब बडी लिखते हैं यहाँ पे ट्यूब बडी, यहाँ पे आ गया ट्यूब बडी। अब ट्यूब बडी देखिए यहाँ पे जिस भी ब्राउजर में आप ओपन करेंगे उसके लिए एक्सटेंशन ये ट्यूब बडी का आता है। तो मैंने गूगल क्रोम में खोला है, तो देखिए मुझे जो ये वाला एक्सटेंशन यूज करना है ट्यूब बडी फॉर यूट्यूब क्रोम वेब स्टोर, इसको जो है यहाँ पे मैं इंस्टॉल कर लूंगा अपने ब्राउजर में। तो जैसे ये विड आई क्यू का आ रहा है इसी तरह से यहाँ पे बन के साइड में आ जाएगा ट्यूब बडी का, तो इसको जो है यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं विड आई क्यू यूज कर रहा हूँ तो इसको मैं नहीं करूंगा यूज। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं सोशल मेंशन, सोशल ब्लेड हमने देख लिया, अब देखते हैं हम सोशल मेंशन। तो देखिए सोशल मेंशन में यहाँ पे जो है आपको डालना है, अगर आप कोई वेबसाइट चलाते हैं जैसे ब्लॉगिंग करते हैं तो ब्लॉगिंग के लिए भी इससे जो है टैग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ यूट्यूब के बारे में आपको सिखा रहा हूँ। और साथ में देखिए यहाँ पे नीचे दिखा रहा है ट्रेंड, यानी कि जो ट्रेंड में कुछ कीवर्ड और टैग जो चल रहे हैं वो भी यहाँ पे जानकारी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ट्रेंड में जो चल रहा है उसके बारे में यहाँ पे ये बता रहा है, देखिए यहाँ पे ये ट्रेंड में चल रहे हैं ये सारे। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है ऑल, उसके बाद ब्लॉग, माइक्रो ब्लॉग, बुकमार्क, इमेज, वीडियो, क्वेश्चन, ये सारे चीज पे आप जो है सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी वीडियो का टाइटल डालेंगे और सर्च करेंगे तो आ जाएगा, या आप ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे कोई वीडियो का टाइटल डालिए और यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए वीडियो और उसके बाद सर्च कीजिए, तो वीडियो के लिए जितने भी टैग यूजफुल होंगे उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी मिल जाएगा। तो ये थे 5 बेस्ट टूल जिनके मदद से आप अपने यूट्यूब चैनल को अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। चलिए अब एक टिप्स मैं आपको बता देता हूँ, एक टिप्स और है अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, वो है गूगल ट्रेंड, यानी कि गूगल ट्रेंड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप देख रहे हैं कि गूगल जो है आज बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है, कोई भी टॉपिक सर्च करना हो, कोई वीडियो सर्च करना हो या फिर कोई भी चीज़ सर्च करना हो, लोग गूगल में जाके फटाफट टाइप करते हैं और सर्च करते हैं। तो गूगल में जितने भी कीवर्ड टाइप किए जाते हैं सर्च होते हैं वो सारा डिटेल जो है गूगल जो है अपना डाटा जो है एक जगह रिकॉर्ड करता है और उनमें जो है एनालाइज करके बताता है कि क्या जो है आज ट्रेंडिंग में चल रहा है, यानी कि किस पे लोग सबसे ज़्यादा सर्च कर रहे हैं।
तो इसके बारे में जो गूगल एक जगह नोट करके रखता है, तो चलिए उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखना है आपको, सर्च बार में सर्च करना है गूगल ट्रेंड। गूगल में जो भी चीज़ ज़्यादा सर्च किए जाते हैं उसका जो है एक जगह ट्रेंड बनाता है गूगल, एक लिस्ट बनाता है और वहाँ पे आपको बताएगा कि यहाँ ये चीज़ जो है ज़्यादा इंटरनेट पे खोजे जा रहे हैं, यानी कि गूगल सर्च इंजन में खोजे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आता है ऑल कैटेगरीज और यहाँ पे आता है यूनाइटेड स्टेट। आप इसमें चाहे तो अपना एक जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा डिटेल आपको शो करेगा ये। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे हेल्थ के बारे में। हेल्थ के बारे में हमने टॉपिक लिया हेल्थ से रिलेटेड, और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है तो यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट करते हैं कि इंडिया में हेल्थ से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्या सर्च किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ जो है सर्च किया जा रहा है जो यहाँ पे ऊपर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये आता है, देखिए यहाँ पे इसका सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है, सर्च वॉल्यूम कितना ज़्यादा है। तो आप चाहे तो इन टॉपिक का यूज़ करके भी इन टॉपिक पे वीडियो जो है बना के यूट्यूब पे अपलोड करके और अपने चैनल को अच्छे से और ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की और भी वीडियो फ्री में देखने और सीखने के लिए सब्जेक्ट गो चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब भी इस पर कोई नया वीडियो आएगा तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। देखते रहिए सब्जेक्ट गो और सीखते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।